1917 में वर्ल्ड वार वन को शुरू हुए लगभग 2.5 साल हो चुके थे, और अब 1917 में ब्राज़ील, लाइबेरिया, चाइना और सायाम को एलाइड ज्वाइन करने के बाद मिडिल ईस्ट के बसरा सीपोर्ट में जो ब्रिटिश फोर्सेस ओटोमन के कब्जा में थे, उसे ब्रिटेन ने फिर से अपने और सेना भेजकर उसे आज़ाद करवा दिया, और फिर ये लोग यहाँ से बगदाद पर कब्जा करने के लिए रवाना हुए। 26 मार्च 1917 को अब इजिप्ट में भी ब्रिटिश और ओटोमन सेना के बीच बैटल ऑफ काजा शुरू हो गया। 6 जुलाई 1917 तक अरब के रिबेलियन ने ओटोमन एम्पायर के एक सी पोर्ट एकाबा पे कब्जा कर लिया, और ये लोग ये सब काम एक ब्रिटिश मिलिट्री कैप्टन लॉरेंस के कहने पे कर रहे थे। इसी दौरान ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने जीव्स को सपोर्ट करने के लिए ये डिक्लेयर कर दिया कि ओटोमन एम्पायर को ख़त्म करने के बाद इजिप्ट के पास एक पैलेस्टाइन कंट्री का जन्म होगा, जो कि सिर्फ ज्यूस को रहने के लिए बनाया जाएगा। ये डिक्लेरेशन के पीछे एलाइड का मकसद था ओटोमन एम्पायर के खिलाफ ज्यूस का विरोध, लेकिन ये डिक्लेरेशन ओटोमन एम्पायर के मुस्लिम के खिलाफ हो गया, क्योंकि एलाइड ने पैलेस्टाइन को मुस्लिम का देश बनाने के लिए अरब के लीडर हुसैन बिन अली से प्रॉमिस कर चुका था। 31 अक्टूबर 1917 तक ब्रिटिश ने आखिरकार गाजा पे जीत हासिल कर ही लिया, जिसके बाद अब इन्हें पैलेस्टाइन जाने का रास्ता क्लियर हो गया, और 6 हफ्ते बाद 11 दिसंबर 1917 को ब्रिटिश फोर्सेस ने जेरूसलम में घुस गए और जेरूसलम को ओटोमन एम्पायर से छीन लिए, जिस पे ओटोमन ने पिछले 400 सालों से कब्जा करके रखा था। अब ईस्टर्न फ्रंट में रशियन फोर्सेस हार रहे थे, इसलिए अब जर्मन फोर्सेस ईस्टर्न फ्रंट को छोड़कर इटालियन फ्रंट में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को सपोर्ट करने आ रहे थे, और 24 अक्टूबर को इन्होंने बैटल ऑफ कैपेरिटो को ख़त्म करके इटालियन फोर्सेस को 100 किलोमीटर पीछे खिसका दिए, जिसके वजह से अब ब्रिटेन और फ्रांस ने इटली को सपोर्ट करने के लिए अपने आर्मी को इटालियन फ्रंट में भेजा। 7 नवंबर 1917 को रशिया में दूसरा बहुत बड़ा रेवोल्यूशन इस वार से अलग होने के लिए हुआ, और फ्रांस में जॉर्ज को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जिसने फ्रांस को ये यकीन दिलाया कि फ्रांस अब जो भी लड़ाई लड़ेगा उन सब में फ्रांस का जीत होगा। लेकिन 1917 के अंत में एलाइड को फाइनल जीत हासिल करना अब बहुत मुश्किल हो चुका था, क्योंकि अब रशिया लड़ना छोड़ दिया था और फ्रेंच आर्मी जंग लड़ने से मना कर दिए थे, इसलिए उनको लड़ने के लिए धीरे धीरे मनाया जा रहा था। इटालियन फ्रंट में इटली लगभग हार ही चुका था, और अमेरिकन फोर्सेस को अब भी जंग के फील्ड में आने के लिए बहुत टाइम लगने वाला था। ऐसे में एलाइड के तरफ से अब आखिरी उम्मीद सिर्फ ब्रिटेन ही था, इसलिए अब 20 नवंबर 1917 को ब्रिटेन ने अपने सारे टैंक्स के साथ अटैक शुरू किया, जिसमें लगभग 400 ब्रिटिश टैंक जर्मन सैनिक के लाइन क्रॉस करके जर्मन सेना के एरिया में घुस गए, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद आधे टैंक्स खराब हो गए और आधे को जर्मन फोर्सेस ने बर्बाद कर दिया, और इस तरह से बैटल ऑफ कैम्ब्राई में ब्रिटेन का ही नुकसान हुआ। इसके बाद 6 दिसंबर 1917 को फिनलैंड रशिया से आज़ाद हो गया और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया, और 7 दिसंबर 1917 को रोमानिया ने सेंट्रल पावर के साथ शांति बनाने के लिए पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया। अब ईस्टर्न फ्रंट में एलाइड का ताकत ख़त्म हो चुका था, और इस तरह से 1917 भी ख़त्म हो गया, और एलाइड का एक ताकतवर देश रशिया वर्ल्ड वार वन से एलिमिनेट हो चुका था। लेकिन एलाइड के पास एक और बड़ा ताकतवर देश आ चुका था, और वो था अमेरिका। अब आया जनवरी 1918। अब तक वर्ल्ड वार वन को शुरू हुए 3.5 साल हो चुके थे, और अब एलाइड बहुत मुश्किल में फंस चुका था, क्योंकि ईस्टर्न फ्रंट में रशिया को हारने के बाद अब जर्मन फोर्सेस वेस्टर्न फ्रंट में फ्रांस और ब्रिटेन से टकराने आ गए थे। लेकिन अब जर्मनी का भी हालत बहुत ख़राब हो चुका था, क्योंकि समुद्र में ब्रिटेन के नेवल ब्लॉकेड्स के वजह से जर्मनी में फूड शॉर्टेज हो चुका था। 3 मार्च 1918 को रशिया ने सेंट्रल पावर के साथ शांति बनाने के लिए समझौता कर लिया, और बदले में रशिया को अपना बहुत बड़ा एरिया सेंट्रल पावर को देना पड़ा। अब यहाँ वेस्टर्न फ्रंट में जर्मन ने एलाइड के खिलाफ जंग जीतने के लिए नए टैक्टिक्स के साथ अपना आखिरी हमला करने का प्लान किया,
और अब यहाँ पे जर्मन फोर्सेस के अटैक ने एलाइड फोर्सेस के पोजीशन को डिसऑर्गेनाइज कर दिया। इसलिए यहाँ सारे एलाइड फोर्सेस को कमांड करने के लिए फ्रेंच जनरल फेर्डिनेंड को एलाइड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर बनाया गया। 5 अप्रैल को जर्मन फोर्सेस ने एमिन्स में अटैक शुरू किया, लेकिन ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस ने इन्हें मारकर इनको पीछे भगा दिए। फिर 9 अप्रैल को जर्मन ने वाइप्रेस पे हमला किया, जहां फिर से ब्रिटिश फोर्सेस इनके काफ़ी सेना को मार गिराया और इनको आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी दौरान वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर आसमान में अब हवाई हमला शुरू होने वाला था, जहां दोनों राइवल के पास 300 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट थे। लेकिन अब 1918 में अमेरिका को एलाइड में शामिल होने के बाद अब एलाइड का एयरफोर्स मजबूत हो चुका था और इस तरह यहां दोनों तरफ से एयर अटैक शुरू हुआ। और 21 अप्रैल 1918 को जर्मनी का सबसे फेमस पायलट मैनफ्रेड का प्लेन उड़ गया और वो मारा गया, जिसने एलाइड के सबसे ज़्यादा प्लेन को डिस्ट्रॉय किया था। 18 मई 1918 को ब्रिटिश एयरक्राफ्ट ने जर्मनी में घुसकर कोलोगनी पे बम गिराया और ज़मीन पे 27 मई को जर्मन ने फ्रेंच फोर्सेस को अपना टारगेट बनाकर उन पे अटैक शुरू कर दिया और फ्रेंच फोर्सेस को 45 किलोमीटर तक पीछे खिसका दिया। लेकिन मैरिन रिवर तक पहुंचने के बाद अब एलाइड ने जर्मन फोर्सेस पे काउंटर अटैक शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ वेस्टर्न फ्रंट में अमेरिकन फोर्सेस एलाइड के तरफ से जंग लड़ने आ चुके थे। और फिर अगले ही दिन 28 मई को अमेरिकन फोर्सेस के फर्स्ट डिवीज़न ने एमिन्स में जर्मन सेना पर अटैक शुरू किया और 1 जून को बैटल ऑफ बैलियू में अमेरिकन फोर्सेस के सेकेंड डिवीज़न ने फ्रेंच फोर्सेस के साथ मिलकर जर्मन फोर्सेस को बुरी तरह से मारा। अब फ्रांस में अमेरिका के लगभग 10 लाख आर्मी आ चुके थे, क्योंकि यहाँ हर दिन लगभग 10,000 आर्मी को अमेरिका से फ्रांस के लिए सप्लाई किया जा रहा था। इधर इटालियन फ्रंट में 15 जून 1918 को ऑस्ट्रियन फोर्सेस ने इटली में घुसकर एसियागो पे हमला किया और इटालियन फ्रंट में जंग खत्म करने के बाद जर्मनी को सपोर्ट करने का प्लान किया, लेकिन एलाइड फोर्सेस ने इटली में ही इनको बहुत बुरी तरह से मार दिया, जिसके बाद ऑस्ट्रियन सेना का हौसला टूट गया और वेस्टर्न फ्रंट में 15 जुलाई 1918 को जर्मनी ने एलाइड के खिलाफ फाइनल अटैक किया। लेकिन सेकेंड बैटल ऑफ मैरिन में जर्मनी बुरी तरह से हार गया और जनवरी 1918 से लेकर अब तक जर्मनी के 6 लाख सेना मारे जा चुके थे और इन्होंने 1918 में कोई जीत भी हासिल नहीं कर पाए थे। और इस तरह से जर्मनी का आखिरी कोशिश नाकाम रहा और अब 8 अगस्त 1918 को बैटल ऑफ एमियोन में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर अपने टैंक्स, एयरक्राफ्ट और राइफलमैन के साथ जर्मन फोर्सेस को मारना शुरू कर दिया। और एक ही दिन में एलाइड ने जर्मन फोर्सेस को मारकर 14 किलोमीटर तक पीछे भगा दिए और इस तरह से 8 अगस्त 1918 का दिन इतिहास में जर्मन सेना के लिए ब्लैक डे बन के रह गया और अब तक जर्मन सेना का हौसला पूरी तरह से टूट चुका था। 16 सितंबर 1918 को बालकन फ्रंट में एलाइड ने बुल्गेरियन फोर्सेस को बैटल ऑफ डोब्रो में पूरी तरह से हरा दिया था, जिसके 2 हफ्ते बाद बुल्गेरिया ने एलाइड के साथ शांति बनाने के लिए समझौता कर लिया। मिडिल ईस्ट में 19 सितंबर 1918 को एलाइड फोर्सेस ने ओटोमन फोर्सेस को बैटल ऑफ मैगिडो में हरा दिया था। 26 सितंबर 1918 को एलाइड ने फिर से जर्मनी पर हमला किया और जर्मनी के हिंडनबर्ग लाइन को पार करके उनको पीछे खिसका दिया, जिसके बाद जर्मन मिलिट्री कमांडर एरिक लूडेनडॉर्फ ने जर्मन गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्म कर दिया कि अब हमारे सेना पूरी तरह से हार मान चुके हैं, इसलिए अब जर्मनी को एलाइड के साथ समझौता की तलाश कर लेना चाहिए। जिसके बाद जर्मनी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट विल्सन को समझौता करने का रिक्वेस्ट भेज दिया और इसके बदले में विल्सन ने जर्मनी से 2 मांग रखा, जिसमें पहला मांग था जर्मनी को वो सारे एरिया को छोड़ना होगा जिस पे जर्मन ने कब्जा करके रखा है और जर्मन इम्पायर विलियम टू को इस्तीफा देना होगा। 24 अक्टूबर 1918 को इटालियन फ्रंट में एलाइड फोर्सेस ने ऑस्ट्रियन फोर्सेस पे फाइनल अटैक करके उनको पूरी तरह से हरा दिए थे।
और यहाँ 3 लाख ऑस्ट्रियन फोर्सेस को बंदी बना लिया गया। 30 अक्टूबर को ओटोमन एम्पायर ने एलाइड के सामने खुद को सरेंडर करके उनके साथ समझौता कर लिया। 3 नवंबर को ऑस्ट्रिया हंगरी ने भी एलाइड के साथ शांति बनाने के लिए समझौता कर लिया और आखिरकार 11 नवंबर 1918 को जर्मन ने भी खुद को सरेंडर करके एलाइड के साथ पीस ट्रीटी साइन कर लिया। और इस तरह से 11 नवंबर 1918 को वर्ल्ड वार वन ख़त्म हुआ। इसके बाद अगले साल 28 जून 1919 को सारे देशों के बीच अमन, चैन और शांति बनाए रखने के लिए पेरिस में एक पीस कॉन्फ्रेंस रखा गया और जर्मनी के ऊपर बहुत सारा नियम कानून इम्पोज किया गया, जिसमें पहला था जर्मनी को अपना मिलिट्री संख्या कम करना पड़ेगा। दूसरा, इस जंग में एलाइड का जितना भी नुकसान हुआ है उन सब का कीमत सेंट्रल पावर को चुकाना होगा। तीसरा, जर्मनी ने अपने आसपास के जो भी कंट्री का एरिया पे अवैध रूप से कब्जा किया है उसे उन सब कंट्री को वापस करना होगा। चौथा, अफ्रीका में जर्मन कॉलोनी को सीज किया जाएगा और जर्मन को ये एक्सेप्ट करना होगा कि वर्ल्ड वार वन का जिम्मेदार जर्मनी खुद है। इस वार के बाद यूरोप का बाउंड्री फिर से बनाया गया, जहां पोलैंड रशियन एम्पायर से आज़ाद होकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना और ओटोमन एम्पायर को ख़त्म करके नए देश बनाए गए, जिसमें टर्की और आर्मेनिया इंडिपेंडेंट कंट्री बने। सीरिया, लेबानोन फ्रांस के कब्जे में आ गए और इराक, पैलेस्टाइन, जॉर्डन ब्रिटेन के कब्जे में आ गए। और इस तरह से वर्ल्ड वार वन में करोड़ों लोग मारे गए, पूरे यूरोप के बड़े बड़े एरिया उजड़ गए, पुराने एम्पायर का अंत हुआ और नए देशों का जन्म हुआ, पूरी दुनिया में लोगों के जिंदगी बदल गए। दुनिया जैसा पहले था वैसा फिर शायद कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन फ्रेंच जनरल फर्डिनेंड ने ये लिख दिया था कि इस वार का अभी अंत नहीं हुआ है, बल्कि ये तो सिर्फ अगले 20 सालों के लिए एक समझौता है, क्योंकि वर्ल्ड वार वन को ख़त्म होने के 20 साल बाद एक और बहुत बड़ा जंग शुरू होने वाला था और वो था वर्ल्ड वार टू।